नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे IVY काउंटी प्रोजेक्ट की, जो कि सेंट्रल नोएडा के वन ऑफ द प्रीमियम प्रोजेक्ट में से एक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल में थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में, साथ ही समझेंगे इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी को। तो बात करें कनेक्टिविटी की, तो ये लोकेटेड है सेंट्रल नोएडा के सेक्टर 75 में। और बात करें सेक्टर 75 के इसके नियर बाय सेक्टर्स की, तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में सभी सोसाइटीज़ में फैमिली आ चुकी है, तो पूरी तरह से फुल्ली डेवलप्ड सेक्टर है। और यहाँ पर आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। प्रोजेक्ट से हार्डली 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। और प्रोजेक्ट के पास से आपको विदिन 10 मिनट ड्राइव आपको अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं कुछ एक हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर न्यू हॉस्पिटल, सुमित्रा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, प्रकाश हॉस्पिटल, इसके अलावा फोर्टीज़ हॉस्पिटल। अगर मैं बात करूँ स्कूल्स की, तो स्कूल्स भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, लाइक दिल्ली पब्लिक स्कूल, मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल, LPS ग्लोबल स्कूल, मिलेनियम स्कूल। और बात करें शॉपिंग डेस्टिनेशन या मॉल्स की, तो यहाँ से आपको 10 किलोमीटर की ड्राइव पर सेक्टर 18 अट्टा मार्केट, GIP, मॉल ऑफ इंडिया, इस तरह के मॉल्स आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा ग्रुप के बारे में। तो बात करें काउंटी ग्रुप की, तो इन्होंने सबसे पहला प्रोजेक्ट अपना डिलीवर किया था ओरेंज काउंटी के नाम से, जो कि इंद्रपुरम में है, जो कि इन्होंने डिलीवर किया था 2010 में। तभी से इस ग्रुप का काफ़ी अच्छा नाम है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद इन्होंने डिलीवर किया ओलाइव काउंटी, वो वसुंधरा में था, गाजियाबाद में। इसके अलावा इनका थर्ड प्रोजेक्ट था चेरी काउंटी, जो कि नोएडा एक्सटेंशन के वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट में से एक है। उसके बाद इनका एक प्रोजेक्ट होता है क्लियो काउंटी, जो कि आपने जरूर नाम सुना होगा, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है नोएडा के अंदर, जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड है। इसके अलावा काउंटी ग्रुप के दो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट होता है काउंटी 107, जो कि काफ़ी लग्जरी प्रॉपर्टी है। उसमें अगर मैं मिनिमम साइज़ की बात करूँ, तो वहाँ पर आपको सबसे छोटा साइज मिलता है 3501 स्क्वायर फिट, जो कि सबसे छोटा साइज होता है। इसके अलावा एक और इनका प्रोजेक्ट होता है कोको काउंटी, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में है, जिसका हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन अपडेट अभी कवर किया था। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में। तो बात करें टोटल लैंड एरिया की, तो टोटल अप्रॉक्सीमेट 5.25 एकड़ की लैंड है, जिसके अंदर आपको टोटल 5 टावर्स मिल जाते हैं। मैं टोटल फ्लोर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको सभी टावर्स की हाइट 27 फ्लोर मिलती है। नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट 550 अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊं तो 546 अपार्टमेंट्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। यहां पर आपको इस प्रोजेक्ट में 3 और 4 BHK के लग्जरी अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। यहां पर आपको सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ मिलती हैं। मैं कुछ एक एमिनिटीज़ की बात करूं, तो यहां पर आपको इंडोर स्विमिंग पूल मिलता है। इसके अलावा आपको फिटनेस सेंटर मिलता है, जिसके अंदर आपको स्पा, जिम, स्टीम, जकोजी मिलती हैं। यहां पर आपको योगा एंड एरोबिक हॉल मिल जाता है, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। इसके अलावा आपको क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, लॉन टेनिस, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। और बात करें साइजेस की, तो यहाँ पर आपको 3 साइज मिल जाते हैं। 3 BHK में यहाँ पर आपको सबसे छोटा साइज मिलता है 1656 स्क्वायर फिट, जो कि 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम का फ्लैट होता है, जिसके अंदर आपको 3 बालकनीज भी मिल जाती हैं। सेकेंड साइज होता है 2124 स्क्वायर फिट, जो कि 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम का फ्लैट होता है। साथ में आपको एक यूटिलिटी प्लस टॉयलेट प्लस 4 बालकनीज मिल जाती हैं। और इस सोसाइटी का सबसे बड़ा साइज होता है 2511 स्क्वायर फिट, जो कि 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम का फ्लैट होता है। तो अभी हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट की एक बेसिक डिटेल जान ली है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं, अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग नोएडा, सेंट्रल नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे, इसके अलावा सेक्टर 150 में मेनली डील करते हैं। तो अगर आप इस लोकेलिटी में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इसी तरह की वीडियोज़ डालते रहते हैं नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।